हेलो फ्रेंड्स मैं तृत्ति गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट तीन क्लासेस में 5 जुलाई 2022 के तीनों शिफ्ट के पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 6 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट वन का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में सोल्व करना है वो तरीका हम सीखने वाले हैं क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं सबसे सब पहले देखो आपको पहला क्वेश्चन ये दे रखा है ए दे रखा है बी दे रखा है पूछा क्या है ए माइनस बी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है देखो सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो डिवाइड को सोल्व करने के लिए यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा पाँच बटे एक क्लियर है तो यहाँ से मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे फिर तो एक बटे दो प्लस ये बन जाएगा पाँच बटे बारह माइनस एक बटे छः यहाँ से एलसीएम ले लो तो यहाँ से कितना बन जाएगा बारह यहाँ से बन गया छः प्लस पाँच माइनस दो तो यहां से ए का मान कितना आ गया? यानी तीन बटे चार तो बी का मान निकालेंगे डिवाइड से, से सोल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा तीन बटे एक मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे इसके बाद में तो तीन बटे आठ प्लस एक बटे पांच तो यहां से कितना बन गया देखो चालीस और यहां से पांच दिया पंद्रह प्लस आठ तो ये आ गया बी का मान तेईस बटे चालीस पूछा a ए माइनस बी है ए का मान है तीन बटे चार बी का मान है तेईस बटे चालीस तो सोल्व करेंगे देखो यहाँ से जीरो जीरो कर देंगे दोनों तरफ तो टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीस बन गया ये चालीस बन गया तो यहां से कितना आ गया देखो सात बटे चालीस क्लियर है सी ऑप्शन आ जाएगा सात बटे चालीस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक स्क्वायर दे रखा है उसका पेरीमीटर और जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर बराबर है यानी देखो यहाँ से क्या हो गया पेरीमीटर क्या होता है जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है फोर इंटू साइड ये इक्वल होगा टू इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल के पेरीमीटर के आपको दे रखा है रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो आपको दे रखी है तो मुझे बताइए यहाँ से इसकी ब्रेथ दे रखी है कितनी है बारह है और वर्ग का क्षेत्रफल है जो इसका क्षेत्रफल है एरिया स्क्वायर होता है सॉरी साइड का स्क्वायर होता है वो कितना दे का आपको 400, तो मुझे बताइए जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी आ गई 20, तो यहाँ पे एक की मान कितना आ गया 20, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पे एक का मान कितना है बीस है

एक प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी के दो वर्ग हैं इनकी परीक्षाओं में न्यूनतम जो अंक है पासिंग मार्क्स हैं क्वालिफाई करने के लिए जो परसेंटेज है वो कितना है पच्चीस परसेंट और पैंतालीस परसेंट ठीक है दो एग्जाम है ए और बी और उनके जो क्वालिफाई परसेंटेज हैं वो आपको दे रखे हैं पच्चीस और पैंतालीस आपसे बोला है कि एक प्रतियोगी है वो तैयासी अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में पच्चीस अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं क्वेश्चन में बोला क्या है कि देखो आपको परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स है ना पासिंग परसेंटेज ये आपको दे रखा है कि इतने परसेंट तो आने ही आने चाहिए अब एक कैंडिडेट है वो तैयासी स्कोर करता है तयासी नंबर लाता है लेकिन वो फेल हो जाता है पच्चीस नंबर से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके 25 नंबर और आ जाते तयासी नंबर तो वो लेके आया है अगर वो 25 नंबर और ले आता तो क्या वो पास हो जाता क्या यानी 45 परसेंट बन जाती उसकी तो तयासी और प्लस 25 तो यहां से कितना हो गया 108 ले रहे हैं तो यानी अगर वो 108 नंबर लाता है तब उसकी कितनी परसेंट बन जाएगी 45 परसेंट तो 108 सौ आठ है वह पैंतालीस परसेंट की वैल्यू है और आपको पूछा क्या है आपसे पूछा है कि एक का जो मिनिमम क्वालिफाइड परसेंटेज है वो कितना है पच्चीस है तो पच्चीस की वैल्यू आपको निकाल लिया क्लियर है तो यहां से सोल्व कर दो देखो पांच से काट दो पांच नम पैंतालीस और पचम पच्चीस नौ से काटेंगे तो बारह बार कितना आ गया साठ तो उसको साठ नंबर लाने होंगे तब वह क्या हो जाएगा पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से सिम्प्लीफिकेशन का सवाल आए तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे तो दो बन गया फिर मल्टीप्लाई को देखो पाँच दूनी दस दस यहाँ से दो माइनस दस हो गया ऊपर तो नीचे सोल्व करेंगे देखो तो ग्यारह बट्टे बाईस होगा ग्यारह बट्टे बाईस होगा इंटू आठ है तो एक बट्टे दो दो से कट जाएगा चार यानी चार माइनस पाँच दूनी दस ये बन गया तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस आठ बट्टे माइनस आठ बटे छः आ गया क्या तो माइनस आठ बटे छः का मतलब क्या हो गया चार बटे तीन और ये किसके बराबर है एक बटे पी के तो पी का मान क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा तीन बटे चार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक आर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक स्पेयर की स्पेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल है एस सेंटीमीटर भुजा वाले एक आपको क्यूब दे रखा है उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर क्लियर है ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा तो आपको बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ओ पे स्पेयर तो स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर होता है ये इक्वल किसके हैं ये आपको दे रखा है क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सिक्स ए स्क्वायर होता है सिक्स ए स्क्वायर होता है ए क्या होता है साइड होता है तो यहाँ पे साइड आपको एस दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर क्लियर है तो ये होता है आपको देखो रिलेशन बताना है कि कौन सा ज़्यादा होगा आर ज़्यादा होगा एस से आर कम होगा एस से या इक्वल होगा ये रिलेशन बताना है यानी मैं यहाँ से देखो रेशियो निकाल लेता हूँ आर और एस का रेशियो निकाल लेता हूँ तो मुझे बताइए कि जो आर और एस का रेशियो होगा तो यहाँ से उल्टा चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा फोर पाई और ये सिक्स हैं ये इसके नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये क्रॉस हो होगा यहाँ से तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर अनुपात एस स्क्वायर इसका जो रेशियो हो गया तो यहाँ से कितना आ गया तीन अनुपात टू पाई टू पाई है तो यहाँ से देखो टू पाई को लगभग लग लग टू पाई कितना होगा तीन पॉइंट एक चार रखे तो छः पॉइंट अट्ठावीस होगा तो मुझे बताइए यहाँ से आर स्क्वायर और एस स्क्वायर का रेशियो आया वो तीन अनुपात छः अनुपात छः पॉइंट अट्ठाइस आया है तो अगर यहाँ पर रूट भी करेंगे तो ये हमेशा क्या एस इक्वल होगा कि ग्रेटर देन होगा क्या आर हो से हमेशा जो एस होगा वो हमेशा एक ग्रेटर देन होगा आर से क्योंकि यहाँ पे देखो तीन से ज़्यादा है ना छः पॉइंट अट्ठाईस तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे वो भी हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन होगा यानी एस की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी आर से ये आपको बताना था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक कंपनी में बारह कर्मचारियों का औसत वेतन है वो बीस है यदि प्रबंध के प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वेतन में दो हज़ार रुपये की वृद्धि हो जाते हैं और प्रबंधन के वेतन ज्ञात कीजिए देखो ये एवरेज का सवाल है इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको थॉट प्रोसेस से कैसे करना है कि बिल्कुल माइंड में कैसे करना आपको देखो बारह एम्प्लॉयज़ की जो कम सैलरी है वो कितनी है उनका वेतन है वो बीस हज़ार रुपये ऐसे मान लीजिए कि बारह एम्प्लॉय हैं सबके पास बीस 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 हज़ार रुपये सबके पास बीस बीस हज़ार है अब अगर मैनेजर की सैलरी भी जोड़ा जाए तो सबके जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती हैं दो दो हज़ार ये इंक्रीज़ कब होती है कि जब मैनेजर आएगा और मैनेजर सबको जो बारह एम्प्लॉय हैं सबको दो दो हज़ार रुपये दे देगा अगर मैनेजर की भी बीस हज़ार ही होती है सैलरी अगर मैनेजर की बीस हज़ार सैलरी है तब तो कोई एवरेज में इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन वो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है तभी वो सबको बांटेगा ना तो दो तो वो खुद के पास रखेगा और बाकी के बारह एम्प्लॉय हैं वो सबको दो दो हज़ार भी देगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा ना दो हज़ार सब का तो दो हज़ार तो खुद रखेगा और बारह एम्प्लॉय को देगा यानी टोटल तेरह कैंडिडेट हो गए ना बारह तो एम्प्लॉय और एक खुद तो तेरह कैंडिडेट के जितने रुपए वो ज़्यादा लेके आएगा तो दो दो हज़ार रुपये ज़्यादा लेके आएगा यानी कितना ज़्यादा लेके आएगा वो छब्बीस हज़ार रुपये ज़्यादा लेके आएगा तभी तो बांट पाएगा ना वो तो, तो बीस हज़ार है तो 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 ही उसकी सैलरी और छब्बीस हज़ार वो ज़्यादा लेके आएगा तभी वो दो दो हज़ार सभी जो एम्प्लॉय हैं उनको बांट देगा तो टोटल उसकी सैलरी कितनी होगी उसकी सैलरी होगी छियालीस हज़ार ये करना था आपको तो आपको बिल्कुल माइंड में करना है कि टोटल कैंडिडेट कितने हो गए तेरह कैंडिडेट अगर वो इंक्रीज हो रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है दो दो हजार यानी वो ज्यादा लेके आया है कितना ज्यादा तेरह इंटू दो यानी छब्बीस हजार ज्यादा लेके आया है, तो बीस हजार तो उसकी पहले थी कि बीस हजार ठीक बीस हजार लाएगा तब तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं एवरेज में यानी उसके बीस हजार तो है ही और ज्यादा यहां पर सबकी इंक्रीज हो रही है यानी वो ज्यादा लेके आया है कितना ज्यादा लेके आया है छब्बीस हजार ज्यादा लेके आया है तो बीस हजार प्लस छब्बीस हजार हो गया छियालीस हजार तो ये हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां आपसे बोला है कि उमेश एक निश्चित राशि पर चार परसेंट की वार्षिक दर से दो सालों के लिए चार परसेंट की रेट से दो सालों के लिए जो साधारण ब्याज है वो इतना है यदि वह उसी राशि को चार परसेंट वार्षिक रूप से चक्रवर्ती करे अगर ठीक है इस रेट पर निवेश करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने अधिक रुपए मिलेंगे तो मैंने बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट क्या होती है चार परसेंट के लिए दो साल के लिए रेट इनटू टाइम यानी आठ परसेंट होगी और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी चार परसेंट के लिए दो साल के लिए तो हमेशा ये लगाते हैं फॉर्मूला टू एक्स एक्स स्क्वायर तो चार परसेंट है तो आठ पॉइंट चार का स्क्वायर सोलह तो ही नहीं रखा लेकिन हमें एक चीज दे रखी है कि सोलह सौ रुपए है वो ब्याज है चार परसेंट की रेट से दो साल के लिए आठ परसेंट की वैल्यू है वो सोलह सो है आठ परसेंट की वैल्यू सोलह सौ है तो सो परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो हजार हो जाएगी क्या यहां से कि देखो सोलह सौ रुपए है वो आठ परसेंट की वैल्यू है और सो परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो यहां से कितना आ जाएगा बीस हजार सोरी बीस हजार होगा यानी प्रिंसिपल है वो कितना आ गया आपके पास बीस हजार प्रिंसिपल बीस हजार आ गया और आपसे पूछा है कि जो ब्याज है वो कितने रुपए अधिक प्राप्त होगा तो जीरो पॉइंट सोलह परसेंट ज्यादा होगा तो इसका जीरो पॉइंट सोलह परसेंट निकाल दो तो जीरो पॉइंट सोलह परसेंट निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा बत्तीस रुपए तो बत्तीस रुपए ज्यादा मिलेगा उसको क्लियर है ये इस तरीके से करना होगा इस क्वेश्चन को बीस संख्याओं के समुच्चय का औसत है वो P है यदि समुच्चय में से किसी एक संख्या को अट्ठावन से बदल दिया जाए तो औसत है वो p माइनस टू हो जाता है तो बदली गई संख्या का मान क्या होगा फिर से एवरेज का क्वेश्चन आ गया क्या कहा है आपसे कि 20 संख्याएं हैं उनका औसत है वो p है ऐसे मान लीजिए कि 20 व्यक्ति हैं सबके पास पी रुपए हैं पी 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 इस तरीके से सबके पास पी रुपए हैं और एक व्यक्ति को चेंज किया गया है कि पहले यहाँ से देखो एक व्यक्ति चला गया है और दूसरा व्यक्ति आया है दूसरा कितना आया है अट्ठावन के जी ऐसे मान लीजिए अट्ठावन रुपये लेके आया है और चला गया है वो आपसे पूछा है कि जो बदली गई संख्या है यानी जो गया है उसके पास कितने रुपए थे अब देखो जो गया है ना यहाँ से छोड़ के गया है वो इफ़ेक्ट क्या ला रहा है वो गया है तो वो दो दो कम हो जो एवरेज था वो दो कम हो गया उसके जाने से तो उसके जाने से दो कम हो गया तो 20 आदमी थे सबसे दो दो रुपए वो ज़्यादा लेके चला गया 20 आदमी थे ना तो 20 आदमी से वो सब दो 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 सबसे लेके चला गया यानी वो चालीस रुपये ज़्यादा लेके चला गया वो चालीस रुपये ज़्यादा लेके चला गया किससे कि अट्ठावन तो देखो अट्ठावन है तब तो यहाँ से जब वो अट्ठावन आया ना कम आया है ये अट्ठावन कम आया है और वो ज्यादा लेके गया है चालीस रुपये यानी वो अट्ठानवे रुपये लेके चला गया वो अट्ठानवे रुपये चला लेके चला गया और देखे कितना गया अट्ठावन रुपये यानी चालीस रुपये कम देके गया है यहाँ पे चालीस रुपये वो खुद लेके चला गया यानी कम हो गया तो चालीस रुपये कम हो गया यानी सब में से दो 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 कम हो गए तो तभी तो चालीस कम होंगे यानी जो गया है वो इसकी जो यहाँ पे पूछा गया है उसकी यहाँ से बदली गई संख्या ये पूछिए यानी वो कितनी संख्या होगी अट्ठानवे होगी क्लियर है थॉट प्रोसेस से करना है उसका इफेक्ट देखना है देखो अट्ठावन है ना ये अट्ठावन लेके आया है और गया कितना है वो लेके तो सब में दो दो कम करके चला गया वो यानी सब से दो दो रुपये लेके चला गया वो चालीस रुपये ज़्यादा लेके चला गया है तो अट्ठावन में अट्ठावन तो थे ही और चालीस रुपये ज़्यादा लेके चला गया तो कितना ज़्यादा है उसका अट्ठानवे अंक हो क्लियर है इस तरीके से आपको लगाना है एक वर्थ का जो व्यास है वो कितना है 112 तो मुझे बताइए रेडियस कितनी होगी छप्पन होगी क्या तो रेडियस छप्पन होगी देखो मैंने कल की क्लास में भी बताया था ये सात का कितना मल्टीपल है आठ सातवा छप्पन लिख सकते हैं तो सात का कितने गुना है आठ गुना है तो उसकी परिधि कितनी होगी तो परिधि हमेशा चवालिस के रेशियो में चलती है तो आठ गुना है तो चवालीस इंटू ये हो जाएगी इसकी परिधि तो यहाँ से कितना हो गया आठ सौ बत्तीस तीन और बत्तीस और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तीन तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है ठीक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो मैंने अभी जो तीन वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम डायरेक्ट पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं वो तरीका आप सीख लेना ठीक है वो चीजें आपको याद करनी है एक साइड का सेलिंग प्राइस है वो ₹440 से घटकर ₹410 करने पर हानि है वो 4% बढ़ जाती है अब देखो कोई शर्ट है ना वो 440 जैसे मान लीजिए आप दुकान पे चार सौ रुपए में खरीदा अगर वो दुकानदार आपको 410 में ही दे देता है चार सौ दस में ही दे देता है तो उसको कितने की हानि होती है चार परसेंट की हानि बढ़ जाती है तो पहले तो हानि हो ही रही थी लेकिन चार परसेंट की हानि और बढ़ गई यानी यहाँ से देखो इसने कितने रुपए कम किए यहाँ पे जैसे इसने तीस रुपये कम किए चार परसेंट इसकी इंक्रीज हो गई हानि यानी चार परसेंट की वैल्यू ये है कॉस्ट प्राइस पूछा है तो सौ परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो यहाँ पे चार से डिवाइड करेंगे चार सात अट्ठावीस और चार पंजे बीस तो कितना हो जाएगा यहाँ से सात सौ पचास रुपये क्लियर है तो यहां से कितना आ जाएगा सात सौ पचास रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है एक मेज का मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से एक सौ कॉस्ट प्राइस का एक सौ तीस परसेंट है यानी कॉस्ट प्राइस अगर सौ रुपए है ना तो मार्क प्राइस क्या होगा इसका 130 परसेंट ही होगा यानी 130 ही, ही होगा अब मार्क प्राइस पे क्या होता है मेज के बिक्री पर 20 परसेंट की छूट दी जाती है तो इस पर डिस्काउंट दिया जाता है तो बेचेगा कितने वो 20 परसेंट का डिस्काउंट दे दिया छब्बीस रुपये कम कर दिया यहाँ पे तो छब्बीस रुपये कम कर दिया तो बेचेगा कितने में एक सौ में बेचेगा उसको प्रॉफिट कितने का हुआ सौ की चीज़ को एक में बेच रहा है चार का प्रॉफिट हो रहा है एक पंखे को पंद्रह सौ में बेचने पर तीस परसेंट का लाभ होता है अगर उसी पंखे को नौ सौ में बेचा जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी ये पूछा है आपसे तो देखो यहाँ से देखो लाइट चली गई है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे देखते हैं देखो एक पंखे का पंद्रह सौ साठ रुपये में बेचने पर तीस परसेंट का लाभ होता है यानी पंद्रह सौ साठ रुपये में बेचा तीस परसेंट का लाभ होता है यानी अगर कॉस्ट प्राइस सौ है तो तीस रुपये ज़्यादा मिलेगा यानी एक सौ तीस रुपये में बेचेगा क्लियर है तो सौ परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा आपके पास सोल्व कर देंगे यहाँ से तो यहाँ से सोल्व करेंगे तेरह एकम तेरह तेरह दोना छब्बीस तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास बारह सौ रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया बारह सौ रुपये अब ये बोल रहा है अगर इस चीज़ को नौ सौ साठ रुपये में बेचिए अगर इस चीज़ को नौ सौ साठ रुपये में बेचे देखो यहाँ से कैमरा हटा देता हूँ मैं अगर इसको नौ सौ में बेचे यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ये है सेलिंग प्राइस ये है कि बारह सौ की चीज़ नौ सौ साठ में बेचेगा तो कितने परसेंट की हानि होगी तो यहाँ से देखो या तो रेशियो निकाल लो यहाँ से तो 12 से देखो जीरो से तो ज़ीरो चला गया और यहाँ से 12 से डिवाइड कर दीजिए तो बारह घंटे छिंगन में तो दस की चीज़ है कितने में बेच रहा है तो आठ रुपये में बेच रहा है कितने का डिस्काउंट हो कितने का लॉस हो गया उसको बीस का लॉस हो गया जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं सौ की चीज़ यहाँ पे कितने में बेच रहा है वो अस्सी में बेच रहा है यानी बीस परसेंट का लॉस हो गया क्लियर है बाकी आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि पंद्रह सौ साठ है ना तो तीस परसेंट का लाभ हुआ तो एक सौ तीस ये इक्वल है अब इसको कितने में बेच रहा है नौ सौ साठ रुपये में और हानि हो रही है कितने की सौ माइनस अक्सौ रुपये की जैसे मान लीजिए रुपए की हानि हुई ना तो सो माइनस अक्स में बेचेगा तो यहां से सोल्व करेंगे जीरो से जीरो से काटेंगे तेर से डिवाइड करेंगे बारह स्तान चौरासी बारह इंटी छिंगन में तो सो माइनस अक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास अस्सी आ गई तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बीस बोलो क्लियर है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो नेक्स्ट देखो डी का क्वेश्चन है दो वेराइटी हैं और उनको मिलाकर प्रति दुकान में बेचे जाने वाले चाय के पैकेटों की औसत संख्या आपको बतानी है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टी पैकेट्स सोल्ड पर शॉप बोथ द वेरायटी टेक टूगेदर दोनों वेरायटी को आपको लेना है और सभी का एवरेज बताना है यानी सभी को जोड़कर यहाँ पे कितनी वेरायटी है पाँच है तो पाँच से डिवाइड करना है यह तो हो गया पहला तरीका एवरेज कैसे निकालेंगे सभी को जोड़ दो और पाँच से डिवाइड कर दो लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे दूसरा तरीका लगाएंगे एवरेज निकालने का यहाँ पे जब देखो एक तरीका तो आप लगा सकते हो सभी को जोड़ के लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे देखो सभी ऑप्शन कितने के आसपास जा रहे हैं एक के आसपास जा रहे हैं तो मैं एक एवरेज मान लेता हूं जो मैं तीनों क्लास में बता रहा हूं लास्ट के तीनों क्लास में यह तरीका मैंने बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना है ठीक है देखो एक सौ पचास मैंने एवरेज मान लिया अब इससे देखना है कितना कम है कितना ज्यादा है अब यहां से देखो इनका इनका टोटल सम कितना हो गया नौ और छः पंद्रह 15. तो एक सौ छप्पन बन रहा है तो कितना ज़्यादा है ये 6 ज़्यादा है यहाँ पे देखो 6 और 5 ग्यारह एक सौ दस एक सौ दस और आठ और चारह यानी कितना हो गया बारह हो गया एक सौ दस एक सौ बीस और एक सौ बाईस हो गया ना एक सौ बाईस है डेढ़ सौ से कितना कम है ये डेढ़ सौ से कम है यहाँ से अट्ठाईस तो डेढ़ सौ से 28 कम है यहाँ से देखो सात सात चौदह पंद्रह और यहाँ से ये चार ज़्यादा है यहाँ से करेंगे सात सात चौदह और पंद्रह और यहाँ से कितना ज़्यादा है छह दुनिया बारह चौदह तो ये चौदह जाता है यहां से देखेंगे दे आठ दूनी सोलह सत्रह एक सौ छिंतर बन रहा है तो डेढ़ सौ से कितना ज्यादा है ये छब्बीस ज्यादा है क्लियर है तो माइनस वाला तो हटा दो देखो प्लस का छब्बीस और माइनस का अट्ठाइस है माइनस दो और बचेगा तो यहां से कैंसिल आउट हो गया तो ये प्लस का दो बच गया चौदह और दो सोलह सोलह और छह बाईस तो बाईस एक्स्ट्रा आया है बाईस एक्स्ट्रा आया है कितने पर अब देखो बाईस एक्स्ट्रा आया ना उनको बांट दो पाँच में ये तो हमने सबका डेढ़ सौ डेढ़ सौ माना ही था ये बाईस एक्स्ट्रा आ रहा है तो बाईस को पाँच में और बांट दो तो पाँच में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा देखो ये कितना आ गया चार पॉइंट चार यानी कितना आ जाएगा एक सौ चौवन पॉइंट चार क्लियर है ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा धीरे समझा रहा हूँ आपको एग्जाम में जब करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी क्लियर है बाकी अब आप जोड़ोगे तो देखो सबको जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक भी मिस्टेक होगी आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा तो इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो S है टी से बीस परसेंट ज्यादा है एस है वो टी से बीस परसेंट अधिक है तो बीस परसेंट का मतलब क्या होता है एक बटी पांच यानी पाँच है तो ये छह होगा टी का टी है यू से दस परसेंट कम है टी है यू से दस परसेंट कम है यानी अगर ये दस है तो ये कितना होगा नौ होगा आपसे पूछा है एस और यू का आपको अनुपात बताना है एस और का अनुपात बचाना, तो पहले यहां से एस और का रेशियो कितना आ रहा है चौवन अनुपात पचास जिसे हम क्या लिख सकते हैं सत्ताईस अनुपात पच्चीस ये लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाइम एंड वक्त से पूछा गया है कि दो बटे तीन भाग को P1 है वो आठ दिन में कर सकता है तो मुझे बताइए टोटल काम को कितने दिन में करेगा आठ करोगे सॉरी दो बट्टे तीन काम को है वो आठ दिन में कर रहा है तो टोटल एक यूनिट काम को कितने दिन में करेगा टोटल काम को इसका हो जाएगा तीन बट्टे दो इस तरीके से होगा तो यानी यहां से कर कितना आ जाएगा बारह तो अगर डायरेक्ट यहाँ से करते हैं इतना कुछ नहीं करना डायरेक्ट किया आपने दो बटे तीन भाग को आठ दिन में करता है तो देखो दो से तो यहाँ से चार और चार गुना तीन यानी बारह दिन में तो P1 है टोटल काम को बारह दिन में कर सकता है P2 है वो सात बटे बारह भाग को चौदह दिन में करता है तो देखो सात गुनी चौदह और यहाँ से बारह गुना चौबीस यानी पी है वो चौबीस दिन में कर सकता है पी है हैं आठ बटे भाग को सोलह दिन में करता है तो यहाँ से तीस दिन में करेगा ये थ्री हैं टोटल काम को तीस दिन में कम्प्लीट करेगा तो वो चाहे कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा टोटल वर्क मानेंगे इनका एलसीएम मान लो तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं टोटल कितना है जो हाईएस्ट कितना है तीस है मैक्सिमम तो वो पाँच इंटू छः लिख सकते हैं तीस को देखो चौबीस से डिवाइड करना है तो चार और लिखना पड़ेगा यहाँ से बारह से तो डिवाइड है ही तो यहाँ से जो कितना आ जाएगा इसकी एफिशियंसी आ गई दस कैसे बारह से डिवाइड कर देंगे चौबीस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसकी एफिशियंसी कितनी आ गई पाँच तीस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी एफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ से इसकी एफिशियंसी आ गई चार अब टोटल काम कितना है यहाँ से देखो पाँच छः तीस और तीस सॉरी चचो का चौबीस चौबीस पंजे एक टोटल आपके पास एक यूनिट है इसको काम करवाना है एक दिन में ये दस यूनिट काम कर रहा है ये पाँच यूनिट काम कर रहा है ये चार यूनिट काम कर रहा है अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में पंद्रह और चार उन्नीस तो एक दिन में उन्नीस यूनिट काम करेंगे एक सौ बीस दिन को एक सौ बीस यूनिट काम करवाने के लिए इतना टाइम लगेगा तो यानी इतने दिन लगेंगे आपके पास देखो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी आपको केवल यहाँ पे सीखना है कि किस तरीके से हम एग्जाम में करते हैं ठीक है मैं पहले ही बेसिक्स तो आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके से हम बेसिक्स से करते हैं यहाँ पे केवल एग्जाम में प्रोस आपको समझा रहा हूँ मैं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो एल है वो बड़ी संख्याओं का दुगना है उन दोनों संख्याओं का एस सी एफ है वो तीन है अगर दो संख्याएं हैं उनका एस सी एफ अगर तीन है तो क्या हम उस संख्याओं को इस तरीके से मान सकते हैं कि पहली संख्या थ्री एक्स है तो दूसरी थ्री वाई होगी मैं वाई को बड़ा मानता हूं यानी ये थ्री वाई बड़ी है ये छोटी वाली संख्या है बोला है इनका एल्शियम तो जब भी ध्यान रखना थ्री एक्स और थ्री वाई हो इस तरीके से इसका एल्शियम होता है वो क्या होता है एसियनि तीन इंटू एक्स इंटू वाई ये इसका एल्शियम होगा तीन इंटू जो कॉफेक्टर हमने माना है उनको गुना कर दो जो एल्शियम है वो बड़ी वाली संख्या का दोगुना है बड़ी वाली संख्या क्या माना हमने थ्री वाई इसका दोगुना है इसका दो गुना है तो मुझे बताओ थ्री वाई से थ्री वाई चला गया क्या अक्स का मान कितना आ गया दो अक्स का मान दो आ गया सब छोटी संख्या ये है तो तीन इंटू दो कितना गया? छोटी वाली संख्या क्या आ जाएगी छ आ जाएगी आपसे देखो डी का क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड ड्यूरिंग द गिवन मंथ बाय दीस सेवन शॉप्स टेकन टुगेदर वाज चौदह सो देखो टोटल जो शॉप्स में जो क्या हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो बिके हुए हैं ठीक है टोटल सात दुकानें हैं उनके द्वारा जो बिके हुए है, हैं संख्या है? है। है? थी? है। तो थी, थी वो तो चौदह सो थी तो देखो सौ परसेंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है चौदह सौ तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई चौदह एक परसेंट की वैल्यू चौदह हो गई पूछा क्या है एस थ्री और एस सेवन एस थ्री एस थ्री और एस सेवन ये पूछा है तो नौ और सात सोलह तो सोलह परसेंट की वैल्यू आपसे पूछा है तो चौदह और सोलह परसेंट की चौदह इंटू सोलह करेंगे तो पंद्रह का स्क्वायर माइनस एक कर दो सौ पच्चीस माइनस एक ये हो जाएगा फिर से एवरेज का सवाल आ गया ए बी और सी का एवरेज है वो कितना है बावन के जी ठीक है तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी इनका सम कितना होगा बावन इंटू तीन हो, हो गया क्या तो यहां से कितना आ जाएगा एक सौ छप्पन होगा बी और सी का एवरेज है बी और सी का इसका एवरेज है वह चवालीस है यानी सम कितना होगा अट्ठासी होगा और सी और ए का एवरेज है वो छियालीस है तो यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से छः धुनी बारह और चार धुनी आठ बानवे ठीक है थीका? तो मुझे बताइए यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इक्वल टू आठ आठ सोलह आठ दो दस और यहाँ से एक सौ अस्सी ठीक है तो यहाँ से एक सौ अस्सी आ गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 156, तो एक सौ छप्पन तो यहाँ से ए प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू एक सौ छप्पन है उधर जाके घट जाएगा तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी चौबीस के जी ठीक है यह तो आप बेसिक से भी कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोट इंड स्ट्रीम से पूछा गया है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल है तो देखो अक्स की वैल्यू कितनी है नाव की चाल को हमें अक्स मान लेते हैं और यहाँ से जो बोट वाटर की स्पीड है धारा की चाल है उसे हम y मानते हैं तो y इक्वल टू दो किलोमीटर पर होवर ठीक है यह देर का यदि नाव है धारा के विपरीत धारा के विपरीत जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी माइनस यानी आठ की स्पीड से चल रही है कितने घंटे के लिए चार घंटे के लिए इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और धारा की दिशा में है धारा की दिशा में है तो यहां पे एड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी तो 12 की स्पीड से चल रहा है कितने घंटे के लिए तीन घंटे के लिए तो 12 की स्पीड से तीन घंटे के लिए तो यहां से टोटल डिस्टेंस ही पूछा है तो कितनी आ जाएगी छत्तीस और आठ चौक बत्तीस बत्तीस प्लस छत्तीस कितना हो जाएगा अड़सठ फिर से देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि प्रत्येक ओवर में देखो आपको यह डाटा दे रखा है बॉलर ओवर और विकेट का ये बॉलर्स हैं ओवर इतने कराए हैं विकेट इतने लिए हैं प्रत्येक यदि प्रत्येक ओवर में प्रत्येक गेंदबाज हैं उसने छः गेंद फेंकी हैं तो इस मैच में किस गेंदबाज ने प्रति विकेट के लिए सबसे अधिक गेंदें फेंकी हैं यानी एक विकेट लेने के लिए सबसे ज़्यादा गेंद फेंकी है उस बॉलर का आपको नाम बताना है क्लियर है तो मुझे बताओ देखो इसने तो आठ ओवर कराए हैं तीन विकेट के लिए तो यहाँ पे बॉल कितनी हो गई अड़तालीस बॉल हो गई क्या तो अड़तालीस बॉल हो गई तीन के लिए तीन विकेट के लिए वैसे आपको सबसे कम देखना है ना देखो एक के लिए देख रहा है या आप देखो यहाँ से देख ले एक विकेट के लिए उसने कितने बॉल कराए यहाँ से सोलह बॉल कराए हैं यहाँ से छत्तीस बॉल होगी छत्तीस बॉल हैं एक विकेट के लिए उसने अट्ठारह अट्ठारह बॉल करवाए यहाँ से एक विकेट के लिए उसने तीस बॉल करवाए और यहाँ से देखो छः से गुना करेंगे चौबीस बॉल तो चौबीस बॉल कराए तीन विकेट के लिए तो उसने आठ आठ बॉल कराए एक विकेट के लिए और यहाँ से यहां से 36 बॉल कराए एक विकेट के लिए कितने एक विकेट के लिए उसने 36 बॉल कराए पूछा क्या है कि सबसे अधिक गेंद किसने फेंकी है ठीक है एक विकेट लेने के लिए सबसे ज्यादा गेंद किसने फेंकी है तो एक विकेट लेने के लिए देखो छत्तीस यहाँ पे छत्तीस गेंदे फेंकी है किसने अश्विन ने ठीक है एक विकेट लेने के लिए छत्तीस गेंदे फेंकी है अश्विन ने तो यही आपसे पूछा था नेक्स्ट देखो यहाँ से बहुत ही अच्छा सवाल है देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं वो तरीका हम भी सीखेंगे पचपन तेवीस तेयलिस और उन्नीस है वो दी गई संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या कठाई जाए यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी और यहाँ से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि जो नया मान आए वो एक दूसरे के क्या हो प्रपोर्शनल हो प्रपोर्शनल का मतलब जैसे यहाँ से देखो पचपन अनुपात तेवीस और ये प्रपोर्शनल होगा तयालीस अनुपात उन्नीस के कब होगा जब इनमें से घटाया जाए ठीक है इनमें से घटाया जाए तो बेसिक तरीका तो क्या होगा कि पचपन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई तेईस माइनस एक्स ये प्रोपोर्शनल होगा यानी इक्वल होगा तैयालीस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई उन्नीस माइनस एक्स ये तो हो गया बेसिक तरीका अब इसको देखो सोल्व करना पड़ेगा इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा उन्नीस पचपन इंटू उन्नीस करोगे यहाँ पे सोल्व करोगे फिर अक्स का मान जो निकालोगे वहीं क्या आ जाएगा इसका वान पूछा है आपको कि कौन सी से संख्या कठानी चाहिए तो अक्स माना है अक्स का मान निकालो यह आ जाएगा आंसर लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना एग्जाम में कैसे करना है शोट तरीका आपको बताता हूं देखो क्या करना है सबसे पहले देखो यहां से पचपन तेईस तैयलीस और उन्नीस इस तरीके से लिख लिया इनका डिफरेंस देखो पचपन माइनस तेईस करोगे तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया यहां पे डिफरेंस आ गया बत्तीस का और यहां पे डिफरेंस करोगे तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया यहां पे आ गया चौबीस का क्लियर है बत्तीस और चौबीस का डिफरेंस आ गया इनमें रेशियो निकाल लो इनमें रेशियो निकालोगे तो यहाँ से आठ चौक बत्तीस और आठ दिया चौबीस तो अनुपात कितना आ गया चार अनुपात तीन आ गया क्या चार अनुपात तीन आ गया अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किससे देखो इसका फर्स्ट है जो पहला रेशियो है इसके फर्स्ट से गुना करना है तो यहाँ से चार को गुना करेंगे तैयारी से तो कितना आ जाएगा यहाँ से चार चौक सोलह यानी एक सौ बहत्तर आएगा फिर आपको देखो ये सेकंड वाला है ना इसके फर्स्ट से गुना करना है फर्स्ट वाले से ठीक है तो पचपन इंटू तीन करोगे तो यहां से कितना आएगा पांच दिया पंद्रह और पांच दिया पंद्रह और एक सोलह इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई इन रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का डिफरेंस है एक का यही अक्स का मान होगा तो यहां से मुझे बताइए अक्स का मान कितना आ गया सात तो बस यही करना है इनका रेशियो लो यहाँ से देखो रेशियो लिया इसके फर्स्ट से गुणा कर दो इसके फर्स्ट से गुणा कर दो इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई इन रेशियो के बीच में डिफरेंस यही अक्स का मान होता है इस तरीके से आपको करना है तो यहां पे देखो अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो 55 इंटू उन्नीस करोगे माइनस अक्स स्क्वायर होगा फिर यहां से तेईस इंटू तेयस करोगे फिर अक्स अक्स को गुना करोगे अक्स के टर्म्स एक तरफ लाओगे फिर सॉल्व करोगे माइनस करके सोल्व ना करना पड़ेगा कैलकुलेटिव भी है और टाइम टेकिंग भी है तो इस तरीके से आपको नहीं करना ये वाला तरीका आपको एग्जाम में लगाना है डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष पांच परसेंट की वृद्धि होती है इंक्रीज होता है पांच परसेंट डीजल का वर्तमान मूल्य है वो अस्सी रुपए है ठीक है तो दो वर्ष बाद कितना होगा अग, अगर अगर अस्सी हैं अभी अस्सी रुपये प्रति लीटर है पाँच परसेंट इंक्रीज होता है पाँच परसेंट इंक्रीज का मतलब क्या होता है पाँच परसेंट का मतलब क्या होता है एक भट्टी बीस यानी अगर बीस रुपये हैं तो इक्कीस रुपये होगा दूसरी साल भी बीस रुपये हैं तो इक्कीस रुपये हो गया यही तो हो गया दो साल बाद में तो यहाँ से सोल्व कर लो देखो बीस चौक अस्सी चार से डिवाइड करोगे चार पंजे बीस इक्कीस का स्क्वायर होता है चार सौ इकतालीस डिवाइडेड बाई पाँच करोगे कितना जाएगा अट्ठासी पॉइंट दो नेक्स्ट देखो बहुत ही अच्छा सवाल है देखो ये क्वेश्चन एक व्यक्ति के पास दस रुपए पांच रुपये और दो रुपए ये तीन सिक्के हैं ठीक है और ये बोला है कि दस रुपये पांच रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल पांच रुपये और दो रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और दो रुपये और दस रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात है वो आपको दे रखा है यानी मैं मान लेता हूं अगर इसके सं、दस रुपए के, 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 तो के सिक्कों की संख्या अक्स है पांच रुपये के सिक्कों की संख्या वाई है दो रुपए के सिक्कों की संख्या जेड है तो इनका मल्टीप्लीकेशन दस और पांच रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल और वाई और जेड पांच रुपये और दो रुपए की सिक्कों की संख्या का गुणनफल और दस रुपये और दो रुपये के अक्सर जेड इनका जो अनुपात आपको दे रखा है इनका जो अनुपात आपको दे रखा है वो दे रखा है तीन अनुपात चार अनुपात दो तीन अनुपात चार अनुपात दो ये दे रखा है तो मुझे बताइए आपसे ये पूछा है कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है तो अगर आपके पास सिक्के पता हो अगर आपके पास सिक्के पता हो तब आप यहाँ से निकाल सकते थे क्या कि उसके पास कितनी धनराशि होगी लेकिन आपके पास सिक्के यहां से निकाल नहीं सकते कैसे निकालेंगे अब देखो वो तरीका आपको लगाना है क्या करेंगे देखो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का रेशियो दे रखा ना तो सभी को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो सभी को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो तो मुझे बताइए यहां से वन बाई एक्स वन बाई यहां से क्या आएगा वन बाई देखो मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट ये जो रेशियो आया है ये कितना देर का आपको तीन अनुपात चार अनुपात दो ये देर का सभी को एक्स बाई जेड से डिवाइड करोगे तो वन अपॉन जेड अनुपात ये आएगा वन अपॉन एक्स अनुपात वन अपॉन वाई ये रेशियो कितना आ गया तीन अनुपात चार अनुपात दो क्या अब एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है तो इसका उल्टा करोगे इसका उल्टा करने का देखो अगर वन अपोन एक्स वन अपोन वाई वन अपोन जेड का दे रखा ना तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं वन अपोन एक्स वन अपोन वाई और वन अपोन जेड करेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं ठीक है वन अपोन एक्स तो कितना है चार है वन अपोन वाई है वो कितना है दो है और वन अपोन जेड कितना है तीन तो अगर आपको रे, आ, उल्टा रेशियो दे रखा है और आपको सीधा निकालना है एक्स वाई जेड का निकालना है तरीका बताता हूँ कैसे करना है जैसे एक्स का निकालना है तो इसको तो काट दो इसको गुना कर दो तो छः अनुपात जैसे वाई निकालना है तो वाई को तो काट दो इसको गुना कर दो चार ठिया बारह जेड का निकालना है इसको काट दो यहाँ से गुना कर दो आठ तो ये उल्टा हो जाएगा इसका अगर एक्स वाई जेड होता तो अगर इसका उल्टा निकालना वन अपन एक्स वन अपन वाई वन अपन जेड निकालना तो यही तरीका वापस लगा देते हैं तो मुझे बताइए यहां से रेशियो कितना आ गया तीन अनुपात छ अनुपात चार आ गया क्या अक्स वाई जेड का रेशियो तो तीन अनुपात तीन अनुपात छ अनुपात चार गया? तो यहां से देखो इस जो पैसों के पैसे कितने हो जाएंगे उनके पास तीन सिक्के हैं दस के तो तीस रुपए छह सिक्के हैं पांच रुपए के तो तीस रुपए प्लस चार सिक्के हैं दो दो रुपए के तो आठ रुपए कितने हो गए उसके न्यूनतम अड़सठ रुपए होने चाहिए ठीक है टोटल अड़सठ रुपये होने चाहिए तो बस यही काम था आपका यहां से वन अपोन यहां से एक्स वाई और जेड का रेशो निकालना तो एक्स वाई जेड का रेशो निकालिया तो आपके पास कितने आ जाएंगे मिनिमम ये होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क का ही सवाल है कि ए है वो एक अकेले किसी काम को तीस दिनों में कर सकता है और ए और बी की यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी कि है कि ए है ए से 25 परसेंट कम कुशल हैं बी तो ए की एफिशिएंसी 25 परसेंट कम कुशल है 25 परसेंट का मतलब एक बटे चार यानी yani अगर इसकी एफिशिएंसी चार है ये एक दिन में चार मटके फोड़ सकता है तो बी एक दिन में तीन मटके फोड़ेगा कोई भी काम है यूनिट मान लो तो अगर ये चार यूनिट काम करेगा तो ये तीन यूनिट काम करेगा और सी है वो बी से तीस से ही एक बटे तीस तीन परसेंट अधिक कुशल है तो अगर ये तीन यूनिट काम करेगा एक बटे तीन होता है तैतीस परसेंट का यानी अगर ये तीन यूनिट काम करेगा बी तो सी कितना काम करेगा एक यूनिट ज्यादा काम करेगा चार यूनिट का काम करेगा क्लियर है तो ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का अब देखो ए है वो तीस दिन तक कंप्लीट कर सकता है ए एक दिन में चार यूनिट काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना है उनके पास एक दिन में चार यूनिट काम कर रहा है कितने दिन तक काम किया उसने तीस दिन तक तो टोटल इतना काम हो गया इस टोटल काम को अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम को तीनों मिलकर काम करेंगे तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी चार चार आठ तीन ग्यारह तो यहाँ से कितना आ जाएगा इतने दिन में कंप्लीट करेगा लास्ट क्वेश्चन देखो फिर सर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदमी है धारा की दिशा में पंद्रह किलोमीटर की चाल से चलता है धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई तो इसकी ए, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी एक्स प्लस वाई ये आपको दे रखी है पंद्रह किलोमीटर पर होगा एक्स क्या है आदमी की चाल और वाई क्या है धारा की चाल धारा के विपरीत चलेगा तो अक्स माइनस वाई होगी उसकी रिलेटिव स्पीड तो यहां से कितनी आ गई ग्यारह किलोमीटर पर ये दे रखा है पूछा क्या है आपसे कि सांत जल में नाव की चाल बतानी है और धारा की चाल बतानी है तो नाव की चाल निकालना हो अगर बोट की स्पीड निकालना हो तो क्या करते हैं इनको जोड़ के आधा कर दो तो पंद्रह सोलह छब्बीस छब्बीस डिवाइडेड बाई तीन अगर आपको स्ट्रीम की निकालनी है अगर आपको स्ट्रीम की निकालनी है इनका डिफरेंस कर दो और दो से डिवाइड कर दो पंद्रह माइनस ग्यारह चार चार डिवाइडेड बाई दो करोगे क्लियर है तो ये हो जाएगा इसका आंसर तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की शिफ्ट करेंगे अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इनकी पीडीएफ वहां पर मिल सके क्लियर है तो आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू